Hello, students. Today we are starting about Photoshop CC. First, हम start करते हैं file से. आप जो सबसे पहले देख रहे हैं menu bar पे file option है. सबसे पहले हम देख learn करेंगे कि हम new file जब हम create करते हैं तो उसपे क्या-क्या properties हमें रखनी चाहिए. So हम file पे जाते हैं new file लेने के लिए. अगर आप control N शॉर्टकट की अगर कीबोर्ड से आप शॉर्टकट के थ्रू न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर सकते हैं. अदरवाइज आप फाइल से न्यू ऑप्शन दीजिए, क्लिक करिए, देन आपके पास एक न्यू फाइल आएगी. उस पर आपको पूछा जाएगा प्रेजेंट में कस्टम है. कस्टम अगर है, अगर आप कस्टम करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली हाइट, डेप्थ एंड इंचेस, पिक्सल्स जो भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं. अगर आप एक रेडीमेड साइज लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड फोटोशॉप साइज जो है तो सेंटीमीटर्स पे आ जाएगी. आपको यूएस पेपर साइजेस आते हैं अंदर, जैसे कि साइजेस. अगर आप यूएस पेपर साइज लेते हैं, अगर आपको एक और साइज पर प्रिंट करनी है या लेटर पे या लीगल वेटेबल इस टाइप से कुछ, अगर आप ऑब्जेक्ट बना कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर लेटर टाइप कर रहे हैं या लेटर मॉल कर रहे हैं तो ये आपको रेडीमेड साइजेस में करना. इंटरनेशनल पेपर साइजेस में फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोटो पेपर ए फोर साइज का फोटो पेपर, अगर आप ए फोर साइज का फोटो पेपर पर प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप ए फोर साइज यहाँ पर ओपन कर ले सकते हैं. यहाँ पे वन पेन के साथ ही आ जाएगा. डिपेंड करता है अगर आप प्रिंट ले रहे हैं तो वो किस साइज पर ले रहे हैं, आपको फोटो किस कौन से साइज पर चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फोटो साइज लैंडस्केप पोर्ट्रेट का फोटो साइज अगर आप चाहते हैं, साइजेस में बहुत अवेलेबल होते हैं. पोर्ट्रेट पे अगर आप चाहते हैं, पोर्ट्रेट पे लैंडस्केप पे अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग फोटो साइजेज आते हैं. तो ये अलग अलग फोटो साइजेज हैं और जो स्टैंडर्ड जो फोटो की फोटो फ्रेम साइज होती है हमारे, तो वो यहाँ पे आपको वेब पेजेस के अकॉर्डिंग जो है आप पिक्सल्स पे ले सकते हैं, तो पिक्सल्स पे चाहिए. मोबाइल में डिवाइस के अकॉर्डिंग जो है अगर आप डिज़ाइन करना है तो ले सकते हैं. फिल्म वीडियो के अकॉर्डिंग जो है अगर आप डिज़ाइन करना है तो पिक्सल्स को आपको बट 720 पिक्सल्स पर आप चाहिए रिजोल्यूशन आ सकता है. आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं. कस्टम में आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन ले सकते हैं कि आपको क्या चाहिए. अगर उनके साइज नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल इंचेस में अगर आप लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ 8 लेती हूँ और हाइट हम लेते हैं 11 9. एंड रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन 300 रखना चाहेंगे मैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप मुझे बड़े साइज पर अगर आप उसे प्रिंट करें तो 300 पिक्सल सफिशेंट होता है. यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे कलर मोड. कलर मोड तो आज यहाँ पे टू टाइप के हैं, आरजीबी. आरजीबी में रेड ग्रीन ब्लू कलर होता है. जो आप वेबसाइट के लिए कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई वॉलपेपर डिज़ाइन कर रहे हैं डेस्कटॉप्स वगैरह के लिए, अदर थिंग्स के लिए, अगर आप डिजिटली उसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप आरजीबी कलर पे वर्क कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको लैब कलर अगर आप चाहिए तो लैब कलर आप यूज़ कर सकते हैं. ग्रे स्किन में ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, बिट मैप टाइटल पर आप यूज़ कर सकते हैं. सी एम वाई के कलर जो होता है, आपको सी एम वाई के कलर प्रिंट के लिए यूज़ होता है. अगर आप बैनर्स डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई मैगजीन डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसे डेफिनेटली सी एम वाई के कलर पे सेलेक्ट करके करिए, क्योंकि सी एम वाई के कलर जो होता है वो प्रिंटेबल होता है. अगर आप उसे प्रिंट करते हैं तो जो कलर आपको सिस्टम में दिख रहा है वही कलर आपका प्रिंट भी होगा. अगर आप आर जी पी पे डिज़ाइन करते हैं और आप प्रिंट करेंगे तो वो कलर डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है, हल्का सा माइनर कलर डिफरेंस आता है, ज़्यादा कलर नहीं. तो बेटर होगा कि आपको अगर नॉलेज है इस चीज़ का तो आप अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो सिंगल मार्केट कलर यूज़ करिए. और अगर आप डिजिटल से रखना चाह रहे हैं वेबसाइट से तो आर जी बी कलर यूज़ कर सकते हैं. आर जी बी कलर हम कलर रखते हैं. बैकग्राउंड आप वाइट रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, हम वाइट कलर का बैकग्राउंड रखेंगे ताकि कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रा कर रहे हैं तो उसको क्लियर दिखे. तो भी बैकग्राउंड आप ले सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिखेंगे. एंड देन आप उसे ओके प्रेस करेंगे. ओके करने से जो साइज़ हमने लिया था उस साइज का बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड और सॉरी वाइट बैकग्राउंड के साथ ये आपके पास पेपर आ गया उस साइज का.
सबसे पहले बैकग्राउंड आप अनलॉक करना चाहें कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है अगर आप बैकग्राउंड अनलॉक कर देते हैं यहाँ पे मेन में ओके आ रहा है तो फर्स्ट टूल हमारे पास यहाँ पे ये टूल बार है, फर्स्ट टूल मूव पे आप इसे मूव कर सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। अगर आप इसे लॉक कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने ये बैकग्राउंड में सेट करके ये लॉक ऑप्शन है, ये होता है लेयर ऑप्शन। अगर लेयर ऑप्शन आपको यहाँ पे इनकेस नहीं शो कर रहा तो आप विंडोज़ पे जाकर लेयर्स ऑन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड होता है F7। आप कीबोर्ड से F7 अगर प्रेस करते हैं तो लेयर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेयर्स को क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे लेयर ऑप्शन नहीं है। इनकेस अगर आपको लेयर ऑप्शन वहाँ दिखे तो आप लेयर्स को विंडोज़ से ऑन कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आपको अगर यहाँ साइड पैनल्स पर नहीं दिखता तो आप विंडोज़ पर जाके देख लीजिए कि आपको लेयर्स चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, एडजस्ट ब्रशेस वगैरह चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पे क्लिक करके इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेयर ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड आप लॉक करना चाहें तो बैकग्राउंड आप लॉक कर दीजिए, इससे मैंने वाइट कलर का बैकग्राउंड वहाँ पर लॉक कर दिया। अब फर्स्ट ऑप्शन ये हमने फाइल अगर आपको कोई फाइल पर्टिकुलर पेज लेना है मेरा ने यहाँ पर बताया। अब नेक्स्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट आप फॉर एग्जांपल हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन है फाइल पे ऑप्शन है ओपन। फर्स्ट हमने देखा मूव कि पेज किस तरह से लेते हैं और उसे लॉक करना कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे फाइल पे ही ओपन का, कोई पिक्चर ओपन करनी है और उसे आप एडिट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस कर सकते हैं या फिर फाइल से ओपन ऑप्शन दीजिए। ओपन ऑप्शन मैंने क्लिक किया, क्लिक करने पे आप कोई भी फाइल या फिर डॉक्यूमेंट्स में आपने कुछ पिक्चर्स रखे हैं, पिक्चर्स रखे हैं ड्राइव पे, किसी भी ड्राइव पे जो आप रखें आप वो ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर कटआउट्स रखती हूँ, कोई एक पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोन हमने लिया और इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे आपकी जो पिछली फाइल है वो यहाँ पे दिख जाएगी आपको। जैसे आप अगर इस पर वर्क करना चाहिए उस पर वर्क कर सकते हैं, ट्रैक करके आप मूव भी कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि यहाँ पे हमने लॉक किया था। अब जब आप ओपन करते हैं कोई भी अगर आप कोई भी पिक्चर ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक आती है। अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएंगे। अनलॉक होने से आप इसे मूव के उसे किसी भी पोजिशन पर मूव कर सकते हैं एंड क्रॉप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे मैजिक लेसो टूल है। अगर आप इस टूल पे क्लिक करके थोड़ी देर रखेंगे तो इससे रिलेटेड और भी टूल्स आपको दिखेंगे, लेसो टूल, पॉलीगन टूल, मैग्नेटिक टूल। फर्स्टली मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैग्नेटिक टूल, इससे आपको ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रॉप कर सकते हैं ये आपको बताएगा। या फिर नेक्स्ट में टू थ्री टाइप्स के लिंक्स हैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखेगा। ये आपके पास सिलेक्शन टूल है रेक्टेंगल मार्कर के, इस तरह से आप अलग अलग सिलेक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोसो टूल का यूज़ कर सकते हैं। लोसो टूल का यूज बिल्कुल पेंसिल की तरह है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लिक करके आप रखिए, क्लिक करके मैंने रखा है जहाँ से आप इस तरह से रेगुलरली आप ड्रॉ करके जाएंगे। जहाँ पर आपने आप माउस को प्रेस करके रखिए, राइट क्लिक करके रखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पे काउंटर बनाते जा रही हूँ और जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे आप इसे कर दीजिए तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब मूव के थ्रू आप इसे मूव कर सकते हैं, ओके। कंट्रोल डी करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब जो भी सेलेक्ट हुआ था तो सिलेक्शन हट जाएगा और कंट्रोल जेड करने से आप उसी पोजिशन को वापस आ जाएंगे। कंट्रोल ऑल्ट एंड जेड अगर आप प्रेस करते हैं तो फोटोशॉप पे आप पिछले पोजिशन पे जा सकते हैं। इट मीन्स अंडू, अगर ज़्यादा एक बार अंडू होता है फोटोशॉप पर, अगर इससे भी ज़्यादा अगर आप अंडू ऑप्शन पे यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ आप जेड प्रेस करेंगे तो जितना आपको अंडू करना है उतना अंडू कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लॉसो टूल के बाद हम पॉलीगोनल लॉसो टूल देखेंगे। पॉलीगोनल लॉसो टूल पे आप क्लिक करते जाएंगे, जैसे जैसे आप स्ट्रेट पे क्लिक करते जाएंगे उस तरीके से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ और कंट्रोल डी कर रही हूँ। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब
सिलेक्शन जो रहेगा वो हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैजिक मैग्नेटिक लोसोपोल आप देखेंगे। मैग्नेटिक लोसोपोल ये मैग्नेट की तरह फर्स्ट क्लिक आप जैसे करेंगे और सिंपली बिना राइट क्लिक किए माउस से विदाउट तो राइट क्लिक किए कि आप नियरली जो भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ माउस को ड्रैग करना है। नॉर्मली आप उसे मूव करते जाइए ऑब्जेक्ट के किनारे, ऑटोमेटिकली मैजिक वॉन्ड टूल जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट के साथ चिपकता जाएगा, स्टिच होता जाएगा और आपको वो सिलेक्शन मिल जाएगा। इस तरीके से फ्रीली मूव, आपको राइट क्लिक नहीं करना है, नॉर्मली मूव करना है माउस को, वो ऑटोमेटिक इस तरीके से आराम से आप माउस को अंदर की तरफ रखेंगे तो वो बॉर्डर पे होता जाएगा और जहाँ से स्टार्ट किया आपने वहाँ पे आप रखेंगे। ये चीज़ आपकी एग्जैक्ट सेलेक्ट हो गई मैजिक वॉन्ड पे। जो भी चीज़ें आपको ठीक लगे वो चीज़ आप ले सकते हो, जो भी टूल आपको ठीक लगे। अब यहाँ पे मैं इसे डिलीट नहीं करना चाहती जिसे मैंने सेलेक्ट किया, इसके जो अपोजिट है मैं उसे डिलीट करना चाहती। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन के बीच पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे डी सेलेक्ट करना चाहें, जैसे कि कंट्रोल डी मैंने शॉर्टकट बताया था डी सेलेक्ट करने के लिए, तो डी सेलेक्ट का कंट्रोल डी ये कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके भी आप डी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट इनवर्स सेकेंड ऑप्शन है, सेलेक्ट इनवर्स में करती हूँ तो इनवर्स सेलेक्शन हो जाएगा। इट मीन्स स्टोन की जगह जो ब्लैंक वाइट कलर का आपका बैकग्राउंड दिख रहा है वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसे मैं इस तरीके से डिलीट कर दूँगा। अब मेरा डिलीट हो जाने के बाद फिर से राइट क्लिक करके आप डी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर माउस से कंट्रोल सॉरी कीबोर्ड से कंट्रोल डी शॉर्टकट को लेकर आप उसे हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और फाइल लेकर हम आते हैं। नेक्स्ट एक और फाइल ओपन करेंगे और उस पर इस स्टोन को हम क्लिक करेंगे। इसके लिए हमको एक रिलेटेड पिक्चर ले लेते हैं जहाँ पे हम स्टोन को रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन ओपन करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट फाइल ओपन होती है। आप इसे चाहें तो अनब्लॉक तो ना करें करते चलेगा। हम फर्स्ट फाइल पे जाएंगे, इस फाइल को मूव करने के लिए आपको मूव टूल का हेल्प लेना पड़ेगा। मूव टूल पे जाके क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करिए और माउस से राइट क्लिक करके रखना है आपको जब तक आप उसको नेक्स्ट फाइल पे ड्रॉप नहीं कर देते। आप क्लिक करके रखिए, नेक्स्ट फाइल पे जहाँ पे आपको ड्रॉप करना है वहाँ पे रेस्ट छोड़ दीजिए माउस राइट क्लिक को, माउस राइट बटन जो है आप उसे रेस्ट छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, मूव टूल से आप इसे इजली मूव कर सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली उस लेयर पे सिलेक्शन आ जाएगा। अगर आप दूसरे लेयर पे सेलेक्ट करना चाहते हैं सेकेंड लेयर और अब आप मूव करेंगे तो मूव नहीं होगा क्योंकि वो लॉक है। सो आपको अगर पर्टिकुलर लेयर पे काम करना है तो इस लेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि ये लेयर हमारे स्टोन लेयर वन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, अब मैं इसे मूव करूँगी तो ये मूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इसे स्केलिंग करनी है तो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑप्शन होता है, सो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आप उसे क्लिक करिए। क्लिक करने से ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे जिससे आप इसकी स्केल दे सकते हैं, जिस भी साइज पर आप स्केल करना चाहें उसे आप स्केल कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टोन को स्केल करके इस क्वेश्चन पर रख दिया। अब आपको ओके करने के लिए मैपोल पे एक बार क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैम शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का अब आपको यूज़ नहीं है तो आप इसे ऑफ कर दीजिए, अनटिक कर दीजिए, ये आपका शिल्प आर्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देन आप बैकग्राउंड एडिट करना चाहते हैं कुछ ऐसा या मर्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को अनलॉक करके ओके करना है। अब ये दोनों फाइल को एक साथ ज्वाइन करने के लिए इतनी सारी ये टू लेयर्स हैं, आप चाहते हैं कि ये सेम हो जाए तो इसको मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड से आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और पर्टिकुलर लेयर्स को सेलेक्ट करना है। दोनों लेयर्स को आप एक बार क्लिक करिए कंट्रोल प्रेस करके, फिर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने से आपको मर्ज लेयर ऑप्शन मिलेगा, मर्ज लेयर ऑप्शन पर क्लिक करिए। क्लिक करने से ये दोनों लेयर्स एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर लेयर पे आप जो भी इफेक्ट्स डालेंगे वो दोनों एक साथ, इट मीन्स अलग अलग नहीं आएंगे। इस स्टोन पे अलग इफेक्ट, इस पर अलग इफेक्ट नहीं आएंगे, दोनों का सेम इफेक्ट आएगा क्योंकि हमने इन दोनों पिक्चर्स को एक पिक्चर पिक वर्ड कर दिया है। आपको रेस्ट जो पुरानी फाइल्स है आप उसे यहाँ से कट कर सकते हैं
अगर सेव करना चाहो तो सेव कर दीजिए, मैं इसे मूव कर दीजिए, वीडियो फाइल्स मैंने क्लोज कर दी, हमारे पास सिर्फ एक फाइल है। नेक्स्ट अब इस पर आप कुछ टेक्स्ट डालना चाहे, मैंने आपको अभी तक फाइल न्यू फाइल लेना ओपन करना है, मूव टूल का यूज़, इसके अलावा मैजिक टूल्स का यूज़, लॉसो टूल, पॉलीगन टूल, मैजिक टूल का यूज़ मैंने बताया है। नेक्स्ट आपको आपको फिल्टर पे बताते हैं, फिल्टर पे क्या क्या इफेक्ट्स आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स दिखना है अलग अलग, इसी तरह यहाँ पे फिल्टर पे भी अलग अलग एडजस्टमेंट्स होंगे। मेनू बार पे आप फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहला दिखेगा स्मार्ट ब्लर ऑप्शन। स्मार्ट ब्लर ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि जो आपकी जो पिक्चर थी, अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ, कंट्रोल जेड मैंने किया तो ये हटा, मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूँ। आप कीबोर्ड से जूम कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करिए। अब जब मैं यहाँ पे फिल्टर गैलरी पे क्लिक करके स्मार्ट ब्लर करूँगी तो आप देखेंगे कि पिक्चर हल्के से ब्लर हो जाती है। मीन्स अगर आप इसे बताऊँ तो ये पेंटिंग जैसी आपको लगेगी, जैसे किसी ने पेंट किया है। फिर से मैं इसे कंट्रोल जेड कर रही हूँ ताकि स्मार्ट ब्लर मिल जाए। अब यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स पे अगर हम जाएंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स एंड ओके करेंगे तो स्मार्ट फिल्टर पे कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप फिल्टर गैलरी पे जाएंगे, फिल्टर गैलरी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिस्टिक ब्रश स्ट्रोक से रिलेटेड बहुत सारे आर्ट्स दिखेंगे आपके, इस तरीके से जो भी आपको पसंद हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे अलग अलग हैं, यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स पे अगर आप जाते हैं तो देखेंगे हम ब्रश स्ट्रोक्स हैं, आप जिस तरह का इमेज रखना चाहते हैं वैसा इमेज लेकर यहाँ पे ओके कर सकते हैं। यहाँ पे भी अलग एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि ग्रेन, ग्रेन एजेस, क्लीन वेटर, अलग अलग तरह के यहाँ पे आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह स्केच पे अगर आप जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट पे, इन कलर पे आपको अलग अलग स्केचिंग करेंगे, यहाँ से आप लाइट और डार्क कर सकते हैं, इसमें इमेज बना सकते हैं, कर सकते हैं। इसे लोगो लोगो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर्स अगर आप बनाना चाहें इस तरीके से आप ये टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर प्लान पर टेक्सचर बनाना चाहें तो इस तरह से आप टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ओके प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन फिल्टर पे आप देखेंगे, मेरे पास फिल्टर गैलरी देखें, एडेप्टिव वाइड एंगल है। एडेप्टिव वाइड एंगल ऑप्शन अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप फिश आई का जैसे कि स्केल इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्केल करना है स्केलिंग ऑप्शन में ट्रिपल माउंट अगर आपको बनाना है या कम करना है तो ये आप ले सकते हैं। ओपन माउंट इस तरीके से इंक्रीज करना है। क्रॉप फैक्टर अगर आपको बनाना है या कम करना है तो ये आप इस तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट फॉलोइंग यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन निकलेगा, फर्स्ट टूल अगर आप यूज़ करेंगे इस तरीके से तो ये आपको एंगल चेंज करने के लिए हेल्प करेगा। और इस तरह मैंने इसके फोन को क्लिक करके ट्रैक किया, इस तरीके से मैंने इसको रोटेट किया, इस तरीके से आप किसी भी एंगल पे इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फिश आए अगर आप देखते हैं या स्केलिंग फैक्टर कम या ज़्यादा करते हैं बिल्कुल लेंथ करके देख सकते हैं। तो मैम जैसा आपको चाहिए फेस आए पर्सपेक्टिव देते हैं तो पर्सपेक्टिव देते आपको रखेंगे ऑटो पे रहेंगे तो ऑटो पर फेस आए हम रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है किसी आप अलग अलग एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो इसे कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट फिल्टर पे आप जाकर देखेंगे कैमरा रॉ फिल्टर ऑप्शन है,
कैमरा फिल्टर ऑप्शन पे आप इसे टेम्परेचर्स को जैसे एज वहाँ पे वाइट पैनल्स में अलग अलग मोड्स हैं, एज सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम आपको बताना चाहें उनके डायरेक्ट कंट्रोलिंग ऑप्शंस भी है। आप यहाँ को यहाँ पे एक एक करके कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक तौर पर हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो ये ऑप्शन है, कम करते हैं तो ब्लू स्ट्राइक्स आ जाएगा आपके। अगर आप वैल्यू नॉर्मल रखना चाहते हैं तो जीरो पे रखिएगा। टेन पे अगर कम या ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, एक्सपोजर आप डार्क कितना एक्सपोजर चाहते हैं तो इस तरीके से डार्क कम रख सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो इसे रख सकते हैं। इसी तरह से अगर हाईलाइट्स शेडोज आपके ये अगर ऑप्शन है वाइब्रेंस से कुछ बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं वाइब्रेंस तो ऐसा सैचुरेशन कम करना चाहते हैं ज़्यादा रखना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे वाइट बैलेंस, आपके पास वाइट बैलेंस का यहाँ पे वाइट बैलेंस कस्टम है, डायरेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे दिया गया है। टारगेट एडजस्टमेंट टूल्स हैं, टारगेट आप कहाँ पर रखना चाहते हैं यहाँ पर हम यहाँ पास है, फिर से ड्रैग किया डाउनलोड साइड पर उसके ऐसे। नेक्स्ट आपका स्पॉट रिमूवल, जितने पे स्पॉट अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पे आप उसे रिमूव कर सकते हैं। पूरी जेड कर रहे हैं रेड आई रिमूवल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्रीम नहीं है, आप पर्टिकुलर फेस पे वर्क करते हैं जैसे ह्यूमन फेस पे या एनिमल्स फेस पे वर्क करते हैं जिसको रेड आई है, तो आप रेड आई पे क्लिक करके उसको जहाँ पे रेड आई दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो रेड आई मिल जाएगा। एडजस्टमेंट ब्रश भी नेक्स्ट तो किसी फेस पे मैं आपको एग्जाम्पल जरूर बताऊँगा इसका रेड आई रिमूवल। इसके बाद में आपका एडजस्टमेंट ब्रश टूल, एडजस्टमेंट ब्रश टूल पे आप तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है ग्रेडियंट कर्सर टूल, ग्रेडियंट कर्सर टूल पे आप इस तरीके से अप्लाई कम ज़्यादा ये मोस्टली हमारे मोबाइल स्क्रीन पे रहते हैं, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं क्लोज ऐड कर दी थी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ब्राइटनेस कहाँ पे आप रखनी चाहिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे ओके करें या बॉक्स को कैंसिल कैंसिल देखते हैं। नेक्स्ट इसी तरह फिल्टर पे आपके पास लेंस करेक्शन कैमरा करेक्शन ऑप्शन, इसी तरह लेंस करेक्शन में यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट है, उसके बाद स्ट्रेटन टूल है, इससे से आप जिस तरह एडिटेट करना चाहते हैं जिस तरह से ले सकते हैं लेंस करेक्शन में। नेक्स्ट अगर ऑप्शन ले सकते हैं ग्रेडिंग कर, आपको ग्रेड्स चाहिए ग्रेड के अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहते हैं तो ग्रेड के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एजेस हैं, अगर आप एज एक्सटेंशन चाहते हैं एज एक्सटेंशन रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं फिर सकते हैं इसे कंट्रोल कर रही हूँ। इस तरह से अलग अलग है लिक्विफाई ऑप्शन है फिल्टर पर आपके पास, लिक्विफाई में आपके पास ये आपको टूल्स पे डायरेक्ट ऑप्शन भी मिल जाएंगे, इस तरीके से आप को फाइल जो दिखाना चाहते हैं फोटोग्राफ को फाइल दिखा सकते हैं।
ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ऐसे अलग अलग टूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं जो से कैंसिल कर रहे हैं ये ऑप्शन आपके पास हैं। और नेक्स्ट फिल्टर पे आपको ब्लर आने का, ब्लर में एवरेज ब्लर आएंगे, अगर ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं तो ऑप्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्लर ऑप्शन नॉर्मल ब्लर लेते तो नॉर्मल ब्लर आएगा आपको नेक्स्ट यहाँ पे ब्लर मोर अगर आप करते हैं तो ब्लरिंग और भी ज़्यादा ब्लरी लगेगा आपका। नेक्स्ट गॉशियन ब्लर अगर आप यूज़ करते हैं, गॉशियन ब्लर पे आप रेडियल रेडियस की यूज से रेडियस कितना ज़्यादा चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्लर आपको चाहिए। नेक्स्ट ब्लर पे आपका मोशन ब्लर ऑप्शन है, मोशन ब्लर ऑप्शन में फॉर एग्जाम्पल मोशन ब्लर ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप कैमरे से किसी पिक्चर को क्लिक करना चाह रहे हैं कैमरा जिस में हो जाता है तो वैसा कुछ अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप ये मोशन ब्लर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लर पे आपका स्टीरियो ब्लर ऑप्शन है, स्टीरियो ब्लर में आप शेप ब्लर ऑप्शन, शेप ब्लर ऑप्शन अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंगली आप उसे यूज कर सकते हैं ब्लर के लिए। स्मार्ट ब्लर ऑप्शन आप रेडियस थ्रेशोल्ड के थ्रू आप क्वालिटी लो प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखेगा कि कितना ब्लरी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कितना ब्लर पेंटिंग जैसे आप कर रहे हैं आपके देख सकते हैं, जैसे जैसे हम पेंट करते हैं पेंट ब्रश के द्वारा आपको आता है। और सरफेस ब्लर अगर आप यूज करते हैं सरफेस ब्लर में आप देखेंगे जो भी ब्लर आपको ठीक है वो आप अपनी इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ब्लर गैलरी पर जाएंगे सबसे पहले आपको मिला फिल्ड ब्लर, फिल्ड ब्लर ऑप्शन में आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इतना ज़्यादा आप यहाँ से भी कंट्रोल ऑप्शन में आपको राइट में से वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना ब्लर चाहिए। फिल्ड ब्लर ना लेकर अगर इमेज पर हम बैठे यहाँ से हम करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको कितना चाहिए अगर आपको माना है कम करना है किस सपोर्ट करना है और जिस तरह से भी आपको चाहिए ऐसा आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये टाइम नहीं करना है तो आप उसे वक्त कर दीजिए कम जो आप वक्त कर सकते हैं इसी तरह पार्ट ले रहे हैं किस तरह का आपको चाहिए जिस तरह पे आपको स्कूल चाहिए ऐसे आप दे सकते हैं। अब सारे ब्लर्स का यूज यहाँ से इसके बाद स्किन ब्लर, स्किन ब्लर कितना कितना रेडियल के चाहिए कितने रेडियस पे यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो अप्लाई नहीं करना चाहते उसके बाद ऑफ कर दीजिए
कंट्रीज हैं, इतने से आप कैसे कर सकते हैं? अभी कुछ ऑप्शंस हमने दिया है फिल्टर पे, देखो फिल्टर गैलरी, अडैप्ट, ब्लर गैलरी। नेक्स्ट टाइम आगे देखेंगे डिफॉल्ट मॉल से पिक्सलेट हैंडल फैटन स्टाइलिश वीडियो अदर ऑप्शन को हम नेक्स्ट एपिसोड को देखते हैं। आज हमने सीखा है हम न्यू फाइल जैसे जैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओपन न्यू ओपन कोई भी पिक्चर्स आप ओपन करके उसे किस तरह से एडिट कर सकते हैं। और टूल्स हमने देखे न्यू टूल का यूज़ देखा हमने पिक्चर्स एडिटिंग कुछ हमने देखते हैं। नेक्स्ट लेसन को हम देखेंगे टूल्स कुछ मैजिक मॉन टूल्स क्विक सेलेक्शन टूल्स और मेंटल ड्रॉप टेबल टूल्स। हम किसी फेस पे वर्क करेंगे मेन फेस पे हमने फेस पे जिसमें आपको रेड आई का भी यूज उसका बटन करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन पे कि अलग अलग एडजस्टमेंट्स हम इमेजेस पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन पर